फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे ब्लॉग में। तो आज है फर्स्ट रमज़ान माशाल्लाह, और सुबह के बज रहे हैं 3। मैं अलार्म लगा कर सोई थी, अलार्म जैसे ही बजा मैं उठ गई, और ये देखिए अभी मैं इनको उठाती हूँ। चढ़ा देती हूँ गैस पे गर्म होने के लिए, और उसके बाद सभी को उठा देती हूँ। सब उठ जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और पता है गली में लोग उठाते हैं सुबह में, मतलब अभी उठा रहे हैं सेहरी करने के लिए। बहुत लोग आते हैं नीचे उठाने के लिए। तो देखिए कैसे सो रहे हो। बिना सेहरी किए रखेंगे नहीं। तो गाइज मैं कर लेती हूँ ब्रश, हो जाती हूँ फ्रेश, और दूध भी चढ़ा देती हूँ गर्म करने के लिए। देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और दूध रहा यहाँ, उसको गर्म कर लेती हूँ तब तक। तो ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है दूध को गर्म करने के लिए, और हो जाती हूँ तब तक फ्रेश। और ये देखिए ये भी आ गए हैं फ्रेश होने के लिए। तो फाइनली गाइस मैं हो गई हूँ फ्रेश, और ये भी हो गए हैं फ्रेश। हम भी हो गए गाइस फ्रेश, क्योंकि थोड़ा सा सख्त लगा, 2:30 बजे तो हम सोए थे। थोड़ा सा लगता है उठने में, लेकिन आज फर्स्ट रमजान में असकत करेंगे तो रोज़ा छूट जाएगा। अभी सारे भाई लोग को भी उठाना है, अभी उठाना भी है, पहले हम लोग सेहरी कर लेते हैं, उसके बाद उठाएंगे। मैं जाती हूँ किचन में, लेकर आती हूँ अपने लिए खाने के लिए सेहरी। बने रही है हमारी वीडियो में। ये आप देखें, नाथनी सेहरी निकाल दी, सेहरी निकाल आएगा। ये मेरा है, मैं दूध रोटी खाता हूँ, और ये नाथनी का, बाकी सबको भी उठा रहे हैं गाइस। ये देखिए नानी अपने लिए शिरमाल ला रही है, ये आप देख ले, नानी शिरमाल ही खाती है। फाइनली गाइस हमारी सेहरी आ गई है, ये आप देखें क्या क्या है जी। ये हमारी रोटी और दूध, और नानी का ये देखें शिरमाल, और ये तो आ गई है। अब चलते हैं सेहरी करते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑनलाइन भी आना है। ये देख ले गाइस, ये हमारी सेहरी आ गई, और ये नाजने की है, बाकी भाई लोग को भी उठाते हैं, और पहले सेहरी कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद सबको उठाए। गाइस माशाल्लाह आज फर्स्ट सेहरी हमारी कंप्लीट हो गई हम लोग की, और ये देखें नाजने भी पानी पी रही है, और हम भी गाइस पानी पी लिए, सेहरी कर लिए। अब मिलते हैं फजर की नमाज, अजान होगी तो फजर की नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद सुबह में दिखाएंगे, जाएंगे फल लाने, पता नहीं और भी बहुत सारा काम होगा, तो मिलते हैं उस टाइम। हाँ, हम लोग फल लेकर के आ गए, रात ही में आ गए, लेकर के आ गए, मिलते हैं। तो गाइस हम लोग फजर की नमाज के बाद सो गए थे, और उठे 11 बजे, और गाइस उठ के हम फ्रेश हो गए, नहा लिए। 11 बजे काफी ज्यादा रोजा लग रहा है हमको, ये अभी तक नहाए नहीं है। नहीं, अभी हम दोपहर की नमाज पढ़ने के बाद नहाएंगे, नहा लेंगे। हम कोई बोलते कि आराम से 4 बजे नहाना है, हम तो इसको भी रोक रहे थे कि तुम अभी क्यों नहा रही हो, कोई फायदा नहीं, तो 3-4 बजे के बाद नहाना। और पता है गाइस जोहर की नमाज के बाद हम किचन में लग जाते हैं, और ये दिखाने वाली आज क्या क्या बनाई है। अभी ये कलाम पाक पढ़ने जा रही है, अभी हम जा रहे हैं कुरान शरीफ पढ़ने, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिल पाया था। और इसको पढ़ते हुए आप लोग सुनिएगा तो बहुत तारीफ कीजिएगा, बहुत ही फास्ट पढ़ती है ये, 20 मिनट में एक पारा कंप्लीट करती है। नहीं, सच बता रहे हैं, जो सच है वही, 20 मिनट में एक पारा ये कलम पाक पढ़ती है, मुकम्मल करती है, तो आप
अभी हम आपको दिखाएंगे भी, ये पढ़ेगी तो दोपहर की नमाज के बाद। और ये देखिए गाइस, माशाल्लाह नाज़ी कलम पाक बहुत अच्छे से पढ़ती है और बहुत ही फास्ट पढ़ती है। माशाल्लाह गाइस, मेरी दोपहर की नमाज हो गई है। ये देखे नाज़ी अभी तक कलम पाक पढ़ ही रही है। नाज़ी तुम्हारा कितना पारा हुआ? माशाल्लाह मेरे नमाज पढ़ते पढ़ते दोपहर की ये दूसरा पारा पढ़ रही है। आप देखें काफ़ी ज़्यादा स्पीड पढ़ती है माशाल्लाह नाज़ी। और आगे देखते हैं क्या क्या रहेगा। नाज़ी का खाना बनाने का कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद वो भी आपको दिखाएंगे। फल उल भी लाया, उसको कटिंग करना है भाई। मिलते हैं। नाज़ी क्या कर रही है, क्या बना रही है? ये तो बचका, ये बचका का फलाने चावल पीस रही है। ये देखिए दाल फुलके के लिए मैंने पीस लिया और आपको दिखाएंगे। बहुत सारी इफ्तार की तैयारी कर रही है ये। हेलो फ्रेंड्स, रमजान मुबारक। और देखिए मामी क्या कर रही हैं। प्याज काट रही हूँ, जिसको पहले शहरिश छील के रखी थी, थोड़ा सा हेल्प हो गया। और दिखाते हैं आप लोगों को कैसे छील के रखे। देखिए दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छे से मैंने छिला है। हाँ ये काम करती है थोड़ा बहुत। और पता है गाइस, अब तक मैंने बहुत सारा काम कर लिया और मतलब तैयारी करके रख लिया है, बस सिर्फ छानना बाकी है। पकौड़ी पकौड़ी के लिए भी प्याज काट रही हूँ। और गाइस मैं अभी नहा के आई हूँ, बस मुझे बाल झड़ना है और मैं तुरंत आ गई और मैं फिर नमाज पढ़ी। मामी काम कर रही हैं यहाँ पे और मामी रोज़ा है। मामी आपको रोज़ा लग रहा है क्या? और आप लोग को नजर भी आए, मतलब आप लोग को दिखाएंगे भी कि मामी क्या क्या बना रही है। और रोजा टाइम भी आपको दिखाएंगे कि इफ्तार में क्या क्या है। हम लोग के यहाँ दो जगह इफ्तार लगता है, बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, क्योंकि हम यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं इसलिए जगह नहीं होती है। मेरी टीम में हम, मेरे हस्बैंड और शारिश, अरीफ, फिजा ये लोग रहते हैं। और भी अलग टीम में बाकी सब घर के मेंबर रहते हैं। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं आपको बाद में, बाय। देखिए फल भी कटना स्टार्ट हो गया। और ये देखिए मेरी छोटी वाली ननद कितना स्टाइल से सजा रही है। हम सजाएंगे अभी। हाँ, और थोड़ा सा शायरिश भी इसमें हेल्प की है। अभी पूरा फल नहीं कटाया है फ्रेंड्स, इसलिए हम पूरा नहीं दिखा रहे हैं। अभी जब पूरा कटा जाएगा तो हम और दिखाएंगे। ये देखिए अभी फल कटना बाकी है और भी ज़्यादा। अभी सेब काटेगी। इधर देखिए ये कौन है, ये क्यूट सा बेटू है, क्यूट सा बेटू जो सो के उठ गया है। मैं भी हेल्प की, ना समझे कि मैं हेल्प नहीं। हाँ शारिश भी हेल्प करती है। मैं अरिब ने किया, अरिब झूठ बोल रहा है। मम्मी आप क्या काट रही हैं? मैं करी काटती हूँ गाइस। किस लिए? पुआ में डालने के लिए। और गाइस देखिए सिकंदर माँ को ज़्यादा रोज़ा लग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं। तो ये तो कुछ काम भी नहीं करते फिर भी इसको ज़्यादा। मामी को लगना चाहिए था ज़्यादा रोज़ा गाइस, क्योंकि मामी काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा। सबके लिए इफ्तार बनाती हूं यस। अगर अभी उधर का फ्रूट हो गया होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, इसलिए बाय। अभी मामी छानेंगी, क्या छानेंगी मामी? पुआ। पुआ छानेंगी अभी मामी। और एक तरफ रात के खाने की तैयारी हो रही है और इधर पुआ छानेंगी मामी। देखिए वीडियो बन रही है इधर। और देखिए इधर पुआ है जिसमें भी चीनी डला रही है और इधर कढ़ाई में तेल है और अभी बन रहा है। अरे वीडियो में आ जाइएगा।
थोड़ा सा मीठा कम था गाइस, तो थोड़ी सी और चीनी डलवा रही है। देखिए अभी मामी इसको मिक्स कर रही है अच्छी तरीके से। मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स 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 मिक्स। अभी आप मिक्सी हो रहा है, इसको देखिए। अब करे मामी आप? पता है गाइस, हम साथ में रात का भी खाना बना लेते हैं ताकि रोजा खोलने के बाद कोई काम ना करना पड़े। वाह मामी वाह। अरे इधर क्या है? चावल है, चावल है, चावल रात खाने में, चावल दाल और चिकन। नहीं चिकन नहीं, रोजा रख की झूठ नहीं बोलते। आलू पालक सलाद और दही, आज सादा खाना। और मामी अभी डाल रही हैं, आज मामी जला देंगी अभी। नहीं जलाएंगे क्यों। ओ वाव गाइस देखिए, कहीं मैं मोबाइल ना डाल दूं अंदर। फिर मेरे मोबाइल का भी पुआ बन जाएगा, अब फिर मामी खा लेंगी उसे। क्या खा रही हो? देखिए गाइस एक बच्चा है यहाँ पे, कैसे खा रहा है। अभी इसे पकने में शायद टाइम लगेगा ना। देखिए गाइस ये सच हो गया, मामी जला दी है पुआ को। देखिए अल्लाह, मामी अब पूरा पुआ को जला दी है। नहीं गाइस ये जला है, झूठ बोल रही है। जला नहीं है गाइस, अल्लाह झूठ। फर्स्ट वाला जो होता है ना वो कढ़ाई में पकड़ लेता है, वही हुआ। और गाइस मेरी हाइट नहीं पहुंच रही है तो मैं पीढ़ा पे चढ़ के वीडियो बना रही हूँ। और पहले हम लोग भी ऐसे ही करते थे, पीढ़ा पे चढ़ के बनाते थे खाना, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा था ना गैस स्टोव। बाबूजी अरे सब वीडियो में आ रहा है, इसको कट करिएगा ना। देखिए तो मामी का फर्स्ट पुआ हो चुका है तैयार। हाँ कहीं उड़ के आपके मुंह में ज्यादा ऑयल रहता है ना, उसको मैं निकाल देती हूँ। हाँ सारा पुआ जाएगा उसमें। अभी ये मोबाइल कहाँ? इधर। तो गाइस देखिए अब जा रहा है दूसरा पुआ का बेसन। बेसन नहीं शरीश, जो भी है ये, इसमें मिक्स है आटा और चावल, चावल को पीस के कड़ी चीनी। और गाइस मुझे लग रहा है ये चावल आ जाएगा बाहर। नहीं गाइस, और ये फुलकी छनाई। तो यहाँ पे फुलकी असर की नमाज मैंने पढ़ ली। और यहाँ पे क्या है? बचका। यहाँ गाइस एक तरफ बचका जो मामी आज जला दी है, इधर बचका और इधर फुलकी है। और इधर इतना सारा बचका तैयार हो चुका है और दिखाती हूँ मैं। और इधर चना है, इधर चना दाल है और इधर आधी फुलकी निकली हुई है। हमारा किचन बहुत छोटा है गाइस। हाँ देखे यहाँ पे ये जेंट्स लोग का लगा है, यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग की अवतार है और उधर लेडीज लोग का लगा है। तो इधर जेंट्स लोग का हम लोग का, और बगल वाले रूम में जितने भी हमारे सिस्टर बच्चे और मेरी वाइफ, तो सबका उधर लगा अवतार। ये आप देख लीजिए हम लोग का अवतार है, जेंट्स लोग का। ये देख लीजिए गाइस, नाज़नी और शरीफ दुआ मांग रही है। और यहाँ पे लेडीज लोग का, ये वाले रूम में हमारे रूम में लेडीज लोग का लगा है। और वो वाले रूम में नहीं, आज से मैं वहाँ बैठ रहा हूँ, दोनों अलग अलग रहेंगे। और ये देख लीजिए, तो ये रही अवतार। और ना आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता दे रहे हैं, आज नाज़नी को दो दो बार चक्कर आ गया था पकौड़ी छानते छानते, तो आके लेटी, नहीं तो गिर जाती। आज इसको बहुत ही ज़्यादा कस के रोज़ा लगा था, क्या बताएं आप। हम जो कंटिन्यू खड़े रह गए ना गाइस, उसके चलते थोड़ा सा रोज़ा लग गया। और रोज़ा नहीं लगा, मतलब चक्कर आ रहा था।
और ये देख लीजिए वो फॉल्स रोजदार है, आप ये मत समझिएगा कि रोजा रखी हुई है फत का, लेकिन काम बहुत हाँ काम करती है लेकिन रोजा आज नहीं है, कल से रखेगी, कल से रखेगी ना तुम। फ्रेंड्स अभी इफ्तार लग चुका है और अभी हम लोग बैठे हुए इफ्तार करने के लिए, और मामी को बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है और मामी को चक्कर भी आ गया था। अगर हम आकर बैठते नहीं ना गाइस तो हम गिर जाते। और मामी एक बार बेहोश हो चुकी थी है ना। और गाइस अभी मैं हम लोग का इफ्तार लग गया, जल्दी से अजान हो ठंडा पानी। आज हमको भी रोना लग गया लेकिन क्या बताएं, मेरे से ज़्यादा इसमें लगा, हम उतना काम नहीं किए, बस थोड़ा बहुत काम किए। यहाँ भी सॉस दे देना। और गाइस अभी इफ्तार लग गया है और अजान होगी तब हम खाएंगे। इंतज़ार कर रहे हैं अजान होने और की। सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो मामी कर रही है अभी। बहुत अब बहुत सारे लोग अभी बाकी शरबत बोले तो एक गिलास शरबत। देख लें गाइस फाइनली पूरी अफ्तार लग गई। ये लेडीज लोग का यहाँ पे मेरी दो बहन की बेटी और एक वाइफ मेरी, वो लोग यहाँ पे बैठेगी और बगल वाले रूम में हम लोग बैठेंगे। ये आप देखें ये लेडीज लोग का है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा आज रोज़ा लगा हुआ है। ये देखिए मेरी छोटी बहन अभी शरबत लेकर के आई है। तो गाइस हमारी इफ्तार कम्प्लीट हो गई। और इफ्तार था 6:01 में और बहुत ही अच्छे थे माशाल्लाह। अफ्तार हो गई, अब मुझे खाया नहीं गया गाइस, तो मगरिब की नमाज ही पढ़ ली गाइस, हमको लेट हो रहा है। मगरिब की नमाज पढ़ ली और देखिए अरीब क्या क्या खाया अरीब, तुम हम जा रहे नमाज पढ़ने, अरीब बहुत सारा खाया। ये बचका ज़्यादा खाया ना, बचका मुझे बचका इसका फेवरेट है। तो ये था आज का फर्स्ट डे का रोजा मुकम्मल हुआ माशाल्लाह। इंशाल्लाह डेली का ब्लॉग आएगा प्लीज, तो इसी तरह हमारा डेली का ब्लॉग आएगा रमजान तक। और ढेर सारा प्लीज़ हमारी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार बनाइए हमारे लिए। और जो लोग नए आते हैं वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग अच्छे से रोज़ा रखिए जी हाँ, आप प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।